अपराधियों के हौसले बुलंद, नहीं प्रशासन का खौफ। वीडियो हुई वायरल, औपचारिकता के तौर पर मुकदमा दर्ज, नहीं हुई गिरफ्तारी। आगरा के थाना मालपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के साथ होली के दिन पड़ोस में रहने वाले अपराधी किस्म के व्यक्तियों ने पीड़िता के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिसमें महिलाएं पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। औपचारिकता के तौर पर मलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कहा जा सकता है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं की कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। नव भारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। मैं यहाँ एसएसपी से आई, क्या मामला है? सर मेरी मारपीट की है। किन लोगों ने मारपीट की थी? हमारे सामने वालों ने, मतलब पड़ोसियों ने। हाँ पड़ोसी ने। एक साल पहले उन्होंने, उनका लड़का हमारे घर पे कूदा था, हमारी लड़की के साथ छेड़खानी की थी, तो उसके रंजे साहब होली पे निकाली है उसने, जेल भी जा 18 तारीख की। उन्होंने 27 में मेरे को बहुत मारा है। किस क्षेत्र का मामला है? धनौली लक्ष्मणपुरी। हाँ मलपला थाने गए थे। क्या बोला स्थानीय पुलिस? उन्होंने किया था, दर्ज कर लिया है केस। अब आपको यहाँ आना क्यों पड़ा? चलो उन्होंने सुनवाई नहीं की है, कोई पकड़ कानून नहीं किया, वो पकड़े नहीं गए हैं। रात को भी धमकी दे के गए हैं कि आपने हमसे पंगा ले लिया गलत लोगों से, तो मैं हम उठवा देंगे, मरवा देंगे, ये जाके धमकी दे के गए चार पाँचों भाई। यहाँ क्या आश्वासन मिला, क्या चाहते हैं? इन्होंने बोला है कि आपकी सुनवाई हो गई है, उन्हें जेल जाना चाहते हैं, जेल जाए। और नहीं है सुंदर सिंह, घटना ये है साहब, 18 तारीख को धूल वाले दिन इन लोगों ने मारपीट की। हमारे पड़ोसी है, सामने ही रहते हैं, उन्होंने सुबह से प्लानिंग बना रहे थे, वो पिक आ के घूम रहे थे बहुत, और जैसे ही हम लोग घर में बंद थे, हम तो जैसे ही हम लोग अंदर बाहर से बाहर आए तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया और पकड़ लिया, फिर मारपीट की, घर में घुस करके फिर मारा हम लोगों को। हाँ जी पुरानी रंजिश है, क्योंकि पहले भी ये लड़का जो शिवम नाम का है वो मेरे घर में कूद गया था और पॉस्को एक्ट में वो जेल भी जा चुका है। पुरानी रंजिश को रह के ही मतलब इन्होंने ये रंजिश निकाली हम लोगों से, जिसमें हमारी एक्टिवा को तोड़ दिया है, ऑटो को तोड़ दिया है और ईको को तोड़ दिया है, बाहर खड़ी गाड़ी थी, और सीसीटीवी कैमरे हमने अपनी सुरक्षा में लगा रखे थे, वो भी तोड़ दिए हमारे। जी हाँ की हमने कार्रवाई, तो 19 तारीख को FIR लिख ली गई है हमारी, पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई उस पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके जो आपके साथ में जो घटना हुई है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी।